हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्स इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का पेपर है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। यह आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड है और विषय अंग्रेजी का कक्षा 10वीं का। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो, और इसको जो है नास का पेपर भी कहा जाता है, NAS नास। तो कुछ निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, तो अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले जैसा कि आपको दिया हुआ है, इसमें आपको चार ऑप्शन है, एक के लिए तो चार में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको। तो पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द वर्ड फ्रॉम द पिक्चर। ये जो फोटो दिए है इसके लिए सही वर्ड क्या होगा? तो ये किसका? ये मोंगूस का है। मोंगूस मतलब होता है नेवला, एक नेवले का चित्र है। दूसरा है आप का वर्ड, जो वर्ड वेरी बेड जो आता है इसके लिए फनी वर्ड कौन सा होगा? तो इसके लिए होगा आपका बी वाला, ये है ना, हिलेरियस। हिलेरियस जो है इसका सही आंसर होगा, बी वाला। फिर आपका है थर्ड वाला, थर्ड वाले का सही आंसर क्या होगा? थर्ड वाले का होगा आपका बी वाला, थर्ड का आंसर बी वाला। फिर आपका है फोर वाला, फोर वाले का क्या होगा? तो फोर वाले का आपका होगा डी वाला, सबसे लास्ट का जो है डी वाला है। फाइव वाले का आपका होगा सी वाला, वेयर एवर आर कंप्यूटर्स, ये जो आपका सी वाला है जो है आपका फिफ्थ का है। सिक्स का आपका होगा, सिक्स का है आपका आंसर बी वाला। बी क्या होगा आपका? थ्रो, THROGH को अपन थ्रो पढ़ते हैं, जिसका होता है माध्यम से। फिर आपका है सातवां वाला, तो आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो सातवें का आपका हो जाएगा ए वाला, है ना, विलोम शब्द जो है आपको बताना है। फिर है आपका आठवां वाला डी, है ना, तो डी का क्या हो जाएगा, सॉरी आठवां वाला है आपका, आठवें वाले का आंसर हो जाएगा डी। फिर नौवां है आपका, नौवे का हो जाएगा आपका ए वाला, है ना, नौवे का आपका ए वाला आंसर होगा। दसवें का आपका हो जाएगा बी वाला, और ग्यारहवें का भी आपका होगा बी वाला, ग्यारहवें का आपका आंसर होगा बी वाला, ये पीपल यूज। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बारहवां, तो बारहवें का आपका हो जाएगा आंसर सी वाला, ऑब्सोल्यूट। फिर है तेरहवां, आपका तेरहवा का आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तेरह का आंसर आपका बी वाला, ये जो रहा आपका बी वाला आपका आंसर है। फिर है 14 वाला, तो 14 का आपका होगा सी वाला, ये देम, THEM दे वाला। फिर है 15 का, 15, 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, 15 का ए वाला। फिर है 16, 16 का आपका होगा सी वाला आंसर, 16 का आपका सी वाला आंसर होगा। एंड एनिवर्सरी, ये आपका सी। फिर आपका है 17वें का, तो 17वें का आपका आंसर होगा डी वाला, फेल्ट डिस्करेज। फिर है आपका 18 वाला, 18 वाले का आंसर होगा आपका बी वाला, 18 का बी। फिर है 19, 19 का आपका आंसर होगा सी वाला, डिफिकल्ट ए टायरिंग। फिर है आपका 20, तो 20 वाले का जो उत्तर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? डी वाला, ये 3214, ये इसका सही आंसर होगा। फिर है आपका 21, 21 का आपका सही आंसर होगा बी वाला, एंजल इस प्रेटी गर्ल। फिर है 22, 22 का आपका होगा ए वाला, रिलीज्ड। फिर 23, 23 का आपका आंसर होगा डी वाला, 23 का आंसर है आपका डी वाला, बिकॉज, है ना। बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका सी वाला, ये वाला जो है इतना बड़ा आपका है यहाँ से यहाँ तक का सी वाला। फिर है 25, तो 25 का होगा आपका ए वाला आर। फिर आपका है 26, 26 के आपका आंसर है डी वाला, 26 का आंसर होगा आपका डी वाला। फिर है 27, तो 27 का होगा आपका बी वाला। 27 का कौन सा होगा? 27 का होगा आपका बी वाला एन। फिर है आपका 28, तो 28 का आंसर होगा आपका सी वाला, ये एनी वेयर एवरी वेयर। फिर है 29 का बी वाला होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा आपका? बी अनलेस यू स्टार्ट नाउ, ये वाला होगा आपका। फिर है 30, 30, तो आपका 30 का आंसर होगा डी वाला, है ना। मैनी ऑफ आइलैंड हैज बीन डिक्लेयर सर्वेंट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप और द गवर्नमेंट, ये वाला आपका होगा डी वाला। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 का देखते हैं आपका, ये आपको एक बड़ा लंबा पैसेज दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है और इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं, तो मैं आपको केवल आंसर बता देता हूँ इसके, है ना। 31 का आपका है डी वाला, इन द नाइट। फिर आपका 32, 32 का है आपका सी वाला, इन द स्ट्रीट आउटसाइड ओल्ड मैन हाउस। फिर है आपका 33, 33 का हो जाएगा ए वाला, 25 रुपी एवरी वीक, है ना, 25 रुपये प्रति सप्ताह। फिर है आपका 34वां वाला, तो 34वें वाले का आंसर क्या होगा आपका? 34वें वाले का हो जाएगा आपका सी वाला, 34वें का ही वांटेड द मेन स्टॉपिंग देयर, सी वाला। फिर है 35 वाला, 35 का आपका आंसर होगा बी वाला, हैप्पी टू हैव अर्न मनी। फिर आपका 36 वाला, तो 36 का भी आपको पैसेज पढ़ना है ये, और फिर इसका आंसर आपको बताना है। तो 36 का है आपका डी वाला, गिव हिम चांस। 37 का है आपका बी वाला, जो कि आपका वास कॉन्फिडेंट एंड द डिटरमाइंड टू बी बिटन डिसेबिलिटी। फिर 38 का है आपका बी वाला, द ब्लाइंड विल बी इनकरेज द फॉलोअर ड्रीम्स। फिर 39 का हो जाएगा आपका डी वाला, 39 का भी आपका डी वाला हो जाएगा, हैप्पीनेस इज नॉट रेडी मेड फॉर यू एंड टेलर। फिर 40 का भी हो जाएगा आपका डी वाला, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही लेक्चर वाज पीपिंग। फिर 41, 41 का क्या हो जाएगा आपका? 41 का हो जाएगा आपका सी वाला, ही वुड फेल एज रिजल्ट फेल बेट, ये वाला। फिर आपका है 42 का, ये आपको पढ़ना है 42 वाले में, और 42 का आंसर सही देना है आपको, ए वाला है 42 का आंसर, ए द, ये वाला, द कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इस 3-day इवेंट टेक प्लेस एवरी ईयर, ये वाला आपका सही आंसर है। फिर आपका 43 वाला, 43 वाले का हो जाएगा आपका बी वाला, 20th century। फिर है 44, 44 का हो जाएगा आपका ए, मिस्टर राम मिश्रा। फिर 45 का हो जाएगा आपका बी वाला, अट्रैक्टिव व्यूवर्स टू अटेंड हिस दिस प्रोग्राम। फिर 46, 46 का भी आपका जो रहेगा बी वाला ही रहेगा, जो आपका पैसेज है वो आप पढ़ लें। 46 का बी वाला 8, है ना, 4:40 PM को। फिर 47 का सी हो जाएगा आपका ये वाला, 47 का सी, फेल्ट अनकम्फर्टेबल। 48 का बी हो जाएगा आपका, 48 का बी, ये वाला।
फिर आपका 49 का सी हो जाएगा, है ना, 49 का सी, ये वाज मोर लेसन माइंड, 50 का भी सी वाला होगा आपका, बॉर्थ एट द टाइम 51, 51 का क्या होगा आपका, देखते हैं, पैसेज पढ़ना है आपको, लंबा पैसेज है, तो 51, 51 का बी वाला होगा आपका, 51 का बी, 52 का ए, 52 का क्या हो जाएगा आपका, ए वाला, 53 का, 53 का हो जाएगा आपका आंसर बी वाला, 53 का भी, फ्रीइंग हर सेल्फ ये वाला, फ्रीइंग हर सेल्फ फ्रॉम ये, फिर 54 का बी वाला, 54 का बी वाला, फिर 55 आपका, 55 का रहेगा ए वाला, द हाईएस्ट ऑफ द ये वाला, फिर 56 का सी वाला, 56 पे देखते हैं अपन, 56 पे ये 56, 56 का है सी वाला, द एडिटर ऑफ द कोगुलगुम, 57, फिर देखते हैं 57 का क्या होगा, तो 57 का होगा आपका बी वाला, ये आंसर 57, फिर 58, 58 का क्या होगा आपका बी वाला, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, सॉरी रिक्वायरमेंट्स, 59 का हो जाएगा आपका ए वाला, अमेजिंग, 60 का होगा आपका डी वाला, 60 का एन एंट्री विदाउट डिक्लेरेशन, फिर आपका 61, तो 61 में आपका क्या होगा, 61 में होगा आपका सी वाला, स्टेयर, फिर 62 में होगा आपका बी वाला, बाइट, फिर 63 में होगा आपका, 63 में भी आपका बी वाला होगा मी, फिर 64 में आपका होगा ए वाला, 64 में कौन सा होगा आपका, ए वाला वुड, WOULD को वुड पढ़ते हैं, एल साइलेंट रहता है, फिर है आपका 65, 65 का होगा आपका सी वाला, डिस्पाइट बीइंग, फिर है आपका 66, 66 का आंसर होगा आपका ए वाला एक, फिर है आपका 67, तो 67 का आपका हो जाएगा सी वाला, ऑफ, ऑफ हो जाएगा, फिर आपका है 68, तो 68 का क्या होगा आपका, 68 का होगा डी वाला, 68 का आपका डी वाला है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैथ्स, फिर आपका है 69, 69 का हो जाएगा आपका डी वाला हेड, और फिर आपका लास्ट बचता है 70 वाला, 70 वाले का आपका आंसर होगा डी बी आर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।